नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोएब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष इकबाल मेमन ऑफिसर का जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान भर में फेडरेशन के यूथ विंग की तरफ से अलग अलग तरीके से 1 सितंबर 2021 को मनाया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान भर से मेमन समाज के अलावा सामाजिक संस्थाओं ने और दीगर संस्थाओं ने और पूरे मेमन समाज ने इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद दिए। मुंबई में यूथ विंग की तरफ से गेट टूगेदर कार्यक्रम किया गया तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन पर लोगों को खाना दिया गया तो वहीं सौराष्ट्र गुजरात के धोराजी में हॉस्पिटल में मरीजों को फ्रूट तकसीम किया गया। पालघर महाराष्ट्र में केक काटकर इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का जन्मदिन मनाया गया तो भावनगर गुजरात में लोगों को राशन किट देकर इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का जन्मदिन मनाया गया। वहीं राजकोट में भी इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का जन्मदिन अलग तरीके से मनाया गया। आज हम सब यहां जमा है बड़े खुलूस से। हमारे इकबाल भाई ऑफिसर जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं उनको मुबारकबादी देते उनके जन्मदिन पे। आज उनका 71st बर्थडे है। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी उम्र 18 साल की है बट 53 साल का उनका एक्सपीरियंस है। वो आज भी वही जज्बे से, वो यूथ के जज्बे से वो काम कर रहे हैं। जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट की तरफ से मैं शुएब खतीब चेयरमैन इकबाल मेमन सर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनसे खूब काम ले और आफियत का मामला करे, खैर का मामला करे और खूब और खूब और खूब बरकत है नाज़िल। मैं इकबाल भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज उनके जन्मदिन का। लेकिन जो आज एक नई परंपरा कायम हुई उससे मैं बेपनाह खुश हूँ। मैं पिछले 30-40 सालों से इकबाल भाई का दोस्त हूँ और मिलता रहता हूँ, लेकिन इकबाल भाई को जब भी हम लोगों ने फोर्स किया कि आप बर्थडे मना लीजिए तो उन्होंने हम लोगों को डांट के मना कर दिया। आज पहली बार मैं मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि जो कौमें अपने बुजुर्गों को याद नहीं करती वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आज उन्होंने जो परंपरा डाली अपने यूथ की और यूथ विंग ने उनको मनाया, कैसे मनाया मुझे मालूम नहीं, क्या रिश्वत लिया उनसे, लेकिन एक बेहतरीन चीज़ उन्होंने कायम कर दिया कि जो उनकी लाइफ के जितने दिन उन्होंने समाज के लिए लोगों के लिए दिए हैं वो कोई मामूली काम नहीं है। क्योंकि आज इकबाल ऑफिसर को न सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र, देश भर बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ मेमन कम्युनिटी बसती है और दूसरी कम्युनिटीज वहाँ उनको लोग जानते हैं। निज़ामुद्दीन राइन, प्रवक्ता मुंबई कांग्रेस। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अलवी और मेरे साथ में कमाल मांडलेकर साहब, हम यहाँ पे कोकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने आए हुए हैं और आज जो है वो इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का बर्थडे है और आज इसी बर्थडे के ऊपर हम उनको बहुत सारी विशेष और बधाइयाँ देते हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह उनकी हेल्थ अच्छी रखे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुशीर अहमद अंसारी, माहनामा उर्दू आंगन मुंबई का एडिटर हूँ। लोग दिल में उतार लेते हैं, लोग दिल में उतार लेते हैं, खिदमत खल्क एक वसीला। इकबाल मेमन ऑफिसर उनके ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि जिस आदमी के ख्यालात ऊंचे होते हैं उसके बोल भी बहुत ऊंचे होते हैं, उसकी सोच ऊंची होती है और इसी तरह उसके अमाल भी ढलते हैं, उसके अमाल भी बहुत ऊंचे होते हैं। जब अमाल उसके ऊंचे होते हैं जैसा कि वो इंसानियत नवाजी का सबूत दे रहे हैं, लोगों की खिदमत खल कर रहे हैं, तो उस शख्स का किरदार भी बहुत बुलंद हो जाता है और यही जो है इकबाल मेमन ऑफिसर की पहचान है। मैं हाजी रियाज मेमन, जोनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का, मैं इस जमात को जोनल सेक्रेटरी की तरीके से देखता हूँ। आज हम यहाँ हैं इकबाल भाई ऑफिसर के 71st बर्थडे के लिए। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों के बहुत हो रहे हैं, छोटी छोटी जमातों के बहुत हो रहे हैं, पर मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमारी मेमन कम्युनिटी की हर सिटी में एक हॉस्पिटल होनी चाहिए। जो इस वक्त हॉस्पिटल पर काम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के लिए, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग इस पर ध्यान दें और मैं बधाई फिर एक बार देता हूँ इकबाल भाई को। हैप्पी बर्थडे सर। मैं सैयद बाबू शेख,
मैं बागा रेलवे स्टेशन ड्यूटी करता हूँ और आज मैं बहुत खुशी हो रही कि आज इकबाल साहब के बर्थडे मुझे शरीफ होने का मौका मिला और इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ आपका और आपके पूरी टीम का और बस इतना करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत किसी की जिंदगी बचाना बहुत बड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शाकिर बाटलीवाला, जॉइंट सेक्रेटरी फॉर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन and today we are all together over here to celebrate the birthday of Sheikh Haji Iqbal officer. After बहुत ही लंबे टाइम के बाद इनके साथ में इन्होंने माना है कि भाई मेरा बर्थडे बनाया जाए और राजी हुए और इन्होंने परमिशन दी है कि हम बर्थडे बनाएं, तो ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हमको सबको साथ में मिल के हाजी साहब के साथ में हमको सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, इनको हमारे सर पे रखे, इनका साया हमारे सर पे रहे ताकि हम लोगों को ये गाइड करते रहे और ये हमारे से कोई नेकियों का काम और ज़्यादा ले। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू हाजी साहब। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर को बर्थडे विश करता हूँ। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं उनके जन्मदिन पे और बहुत सारी विशेष और दुआ है कि बहुत सारे ऐसे दिन, खूबसूरत दिन आए और बहुत सारे बर्थडे आए जो हमारे को यूथ विंग को सेलिब्रेट करने का मौका मिले। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूथ विंग की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ। हम हमेशा यूथ विंग एक चीज़ मानते हैं और ये हमेशा हर जगह हम यही बोलते हैं कि रिस्पेक्ट, हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट करना है हमारे को और वो लोगों को साथ लेके चलना है और हमारा यही मानना है। तो यही मानने के साथ हम ये भी सोचते हैं कि हमारे जब प्रेसिडेंट का बर्थडे है और उनके एक स्पेशल डे है तो हम सेलिब्रेट करें। वो रेडी नहीं हो रहे थे, वो मान नहीं रहे थे, लेकिन पूरे इंडिया के यूथ ने जब उनको रिक्वेस्ट किए कि हमारे को ये मौका दो कि हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए हमारे को रिस्पेक्ट देते, हम यूथ को प्लेटफॉर्म दिए, हम यूथ को रिस्पेक्ट बहुत देते वो अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनकी बदौलत है कि हम यूथ हमारे बिजी टाइम में से टाइम निकालते और आगे आए, वरना यूथ आज के टाइम में कहीं भी कोई भी कम्युनिटी में देखो यूथ जल्दी इन्वॉल्व नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी में यूथ बहुत इन्वॉल्व है। वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ही ऐसे है कि हम हमारा काम छोड़कर भी आते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट सीख गए, इनको देख देख के हम सीख गए कि हम कैसे हमारा फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, दोस्त, करियर सब मैनेज करके हम सोशल वर्क के लिए काम करें, लोगों का भलाई का काम करें और हम आगे आए। तो जब उनका जब स्पेशल डे है तो हमारे को लगा हमारे को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज ये एक छोटा सा गेट टुगेदर हमने फेडरेशन के ऑफिस में बॉम्बे में रखे और पूरे इंडिया में कल 1 सितंबर को जब इनका एक्चुअल जन्मदिन है वो दिन पे पूरे इंडिया में यूथ विंग अपनी तरफ से फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ब्लड डोनेशन कैंप किए। बस हमारा ये था कि कुछ अच्छा काम हो, जब हमारे को मौका मिला है तो हम उनका स्पेशल डे भी बनाएं और साथों साथ हम एक अच्छा काम भी करें जिससे लोगों का भला हो, लोगों का बेनिफिट हो। इन शॉर्ट बस यही है और सबसे गुजारिश है आगे आओ, अच्छा काम करो और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दो। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर एक असूल मैंने रखा है कि शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना, ये तीन मेरा एजेंडा है। ये तीन एजेंडे को मैं लेकर के चला हूँ और उसके बाद दूसरे मेरे वालिद मोहतरम जिन्होंने, जो एक वली शख्स थे, उन्होंने हर कदम पर मुझे गाइड किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई ईमान सबसे पहले मजबूत अपना होना चाहिए, उसके बाद शरीयत की पाबंदी होनी चाहिए, उसके बाद जो काम तुम जिम्मेदारी लो उसको फ़र्ज समझ के, इबादत समझ करके उसको अदा करना है। ये मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर अमल में लाया हूँ। ईमानदारी मेरी ज़िंदगी का उसूल है। और सबसे मेरे वालिद साहब का एक ये था कि जंगल में जब आग लगती है तो पूरे जंगल को खा जाती है और लकड़ी पे जब उधाई लगती है तो पूरा सत्यानाश कर देती है, बड़े बड़े महल को। तो ये है हसद। हसद कभी भी करोगे तो तुम पूरे ख़त्म हो जाओगे, जल जाओगे या तबाह हो जाओगे। तो मैंने कभी भी, मेरे अंदर मैंने कभी भी हसद कभी भी किसी से नहीं लिया। मेरी दुश्मनों का भी मैंने भला चाहा है, उससे भी मैंने हसद कभी भी नहीं किया है। हसद से मैं बिल्कुल दूर हूँ, परेल हूँ और सबके लिए अच्छी भावना, खुश रहे ये भावना मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने रखा है। और अल्लाह जिस हाल में रखे
उस हाल में हमेशा खुश रहना, चाहे कोई किसी भी तकलीफ, बड़ी से बड़ी तकलीफ आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, उसका मुकाबला करना और उसको हल करना, जरा भी घबराना नहीं, और जिसका हाथ पकड़ा उसका हाथ कभी छोड़ना नहीं, साथ में लेकर के चलना। और लोग जो आपने कहा कि 17 साल, तो यही चीज़ है कि मैंने मेरी ज़िंदगी को एक उसूल बना करके मैं चला हूँ। मगर एक बात बता दूँ कि ये ज़िंदगी मुझे थकने नहीं देती, ये ज़िंदगी मुझे थकने नहीं देती, देख के मेरी कौम के मसाइल के पहाड़, मेरी कौम मुझे बूढ़ा होने नहीं देती। तो मैं कभी अपने आप को बूढ़ा महसूस ही नहीं किया हूँ, हमेशा यूथ के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूथ हूँ, बच्चों के साथ में मुझे लगता है कि मैं बच्चा हूँ, नौजवानों के साथ मुझे लगता है कि मैं नौजवान हूँ, और यही जज्बा और यही चीज़ को लेकर के चलता हूँ। और एक चीज़ की तमन्ना मेरी है कि अब कुछ साल जो मेरी ज़िंदगी के बचे हैं, अल्लाह मुझसे कुछ ऐसा काम, मेयारी काम ले ले कि कुछ मेरी जन्नत बन जाए और मैं आखिरत को मेरी सवार लूँ, आखिरत को बना लूँ, यही मेरा मकसद है, यही मकसद को मैं ले कर चलता हूँ। इंसान पैदा होता है और भीड़ में मर जाता है, कई लोग हैं रोज़ पैदा होते हैं और लाखों रोज़ मरते हैं, कब्रिस्तान में आप जाओ तो मरते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कारनामा, मेरी कौम को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कारनामा करो कि आप जिंदे रहो। देखिए बरसों की अपने सदियों जीने के लिए सदियों की उम्र की ज़रूरत नहीं है, एक काम ऐसा कर जाओ जो सदियों तक तुम जिंदा रहोगे। तो ऐसा कुछ काम इंसान को कर जाना चाहिए कि सदियों तक जिंदा रहे और हसद, किना, घमंड और अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर हमको नहीं आना चाहिए। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में हमको मिल जाना है, और सबके साथ अखलाक बड़ी चीज़ है, अखलाक से सबके साथ हमको पेश आना चाहिए। ये मेरे वालिद की जो नसीहत है इसको मैं हमेशा, और कई नसीहतें हैं, ये मेरी वालिद की जो मेन कुछ नसीहतें हैं इसको मैं ले करके चलता हूँ, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष, मेमन कौम के हरदिल अजीज, पूरी दुनिया में मेमन कौम को नई पहचान दिलाने वाले वजीमो शान शख्सियत आली जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के जन्मदिन के मुबारक मौके पर मैं जहांगीर भाभा, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग छत्तीसगढ़ की पूरी टीम की तरफ से उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिन डेडा है, कन्वीनर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग सौराष्ट्र जोन। 1 सितंबर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन या प्रेसिडेंट अलहाज हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर साहब जो बर्थडे है, आप इन्हें के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबादी दिया दो। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई ऑफिसर, जो बर्थडे आए कहीं टूर्नामेंट रखे हुआसी, टूर्नामेंट जो खत्म थी वो है, टूर्नामेंट पूरा थी वो, अने बर्थडे जो केक कलर में आयो है, जो बर्थडे आए पूरे पालघर घर खमा के बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ संवाददाता सोएब मियानूर की एक खास रिपोर्ट।
हमारा और भी समाचार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सच निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।